हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह ते गंभीर इल्जाम लगे ने। महिला नेशनल एथलीट ने छेड़छाड़ के इल्जाम लाए। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम के जरिए संदीप सिंह ने उन्होंने संपर्क किया ते अपने घर बुला के उन्होंने छेड़छाड़ की। महिला नेशनल एथलीट ने इल्जाम लाया कि खेड मंत्री ने उन्होंने छेड़छाड़ की। खेड मंत्री ने अपनी गल मनवाने के लिए उन्होंने दबाव पाया। महिला एथलीट का कहना है कि वह कोच के वजो काम कर रही है तो जो मैं खेड मंत्री की गल नहीं मनी तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिता। तो जो इस सब की शिकायत डीजीपी गृह मंत्री सीएम तक पहुंचाने की कोशिश की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सर ने मेरे को जिम ने देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट किया जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो सर इन्होंने मेरे पैर पर हाथ रखा और बोले कि खिडारी ने बिना आधार इल्जाम लाए ने। मैं महिला खिडारी की मदद कर रहा है पर महिला खिडारी ने सियासी पार्टी के दफ्तर च बैठ के मेरे ते इल्जाम लाए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री हरियाणा नु खुद अपील करांगा कि पूरे मामले की पुलिस जांच करवाउण। इसका आधार नहीं होता, उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। मैं तो आपको कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं करवाऊंगा भी। देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, पूरे हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी होती है, क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके जिसको बोला गया है ये, इसके बारे में भी आप सोचिए प्लीज़। मुझे ये बताइए, यहाँ सारी मेरी पुलिस खड़ी है, सारा कुछ है, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले मेरे को देख रहे हैं, तो इनसे भी पुलिस जांच करवाइए ना, इनसे भी पता करिए कि वो ऐसे कुछ भागे हैं कि नहीं। तो आप जांच डिपार्टमेंट से कराएंगे? नहीं, हम पुलिस से करवाएंगे।